मेरा नाम आंचल गुप्ता है। आई वर्क ओवर हियर एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डायबिटीज एजुकेटर। आज मैं आप सभी के साथ बात करूंगी एक्सरसाइजेस इन पेरिफेरल न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें पैरों की नसें यानी कि नर्व्स का डैमेज हो जाता है। इस वजह से कुछ मरीज कई प्रकार की एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते। सबसे कॉमन न्यूरोपैथी होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिस वजह से पैरों के तलवों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। जमीन पर पैर रखते ही एड़ी में दर्द होना या फिर पैरों के तलवों में जलन होना, ये इसके कुछ लक्षण होते हैं। तो आइए आज मैं आपसे उन कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करूंगी जो मरीज पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी कर सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग, स्टेशनरी साइकिलिंग या फिर लाइट वॉकिंग, क्योंकि ये पैरों के तलवों पर कम प्रभाव डालती है। इन्हें लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार की एक्सरसाइजेज हैं बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज, जिनमें से कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको आज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। तो दूसरे प्रकार की एक्सरसाइज है बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज, जो किसी भी आयु वर्ग के मरीज कर सकते हैं। उनमें से पहली एक्सरसाइज है कफ रेजेस। आप किसी भी मजबूत टेबल या चेयर के पास खड़े होकर अपने पैर की एड़ी को धीरे धीरे उठाएं। इसे 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें और फिर इसे एड़ी को नीचे लाते हुए साइमल्टेनियसली अपने टोज को ऊपर करें। इस प्रकार की एक्सरसाइज आप 2 से 3 टाइम करें। दूसरे प्रकार की एक्सरसाइज है हिप एक्सरसाइज। फिर से एक बार किसी मजबूत टेबल या चेयर के पास खड़े होकर आप अपने एक पैर के घुटने को चेस्ट तक लेकर आए। इस तरह से पोजीशन में 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें और फिर अपने पैर को धीरे धीरे नीचे लेकर आते हुए इसी तरह से दूसरे पैर के साथ करें। तीसरे प्रकार की एक्सरसाइज है काफ स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज में आप अपने दोनों पैरों में दूरी सबसे पहले बना के रखें। अपने दाहिने पैर को आगे लेकर आते हुए और बाएं पैर को पीछे रखें। दाहिने पैर के घुटने को धीरे धीरे आगे की तरफ लाते हुए इस बात को ध्यान में रखें कि आपकी कमर सीधी रहे और दाहिना पैर जमीन से जुड़ा रहे। इस तरह से अपने आप को 10 सेकंड तक होल्ड रखें और फिर पीछे धीरे धीरे आए। इसी प्रकार से अपने दूसरे पैर के साथ भी करें। तीसरे प्रकार की एक्सरसाइज है लेटरल आर्म रेजेस। चौथे प्रकार की एक्सरसाइज है वन आर्म शोल्डर प्रेस। तो इन सभी एक्सरसाइजेस को आप 10 से 15 मिनट रोजाना दिन में 2 बार करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नथिंग फील्स एज गुड एज हेल्दी लाइफ।